क्लास में हमने क्या किया था, प्रातः काल का दृश्य बनाकर उसमें रंग भरना था। तो हमने वो किया है, यानी कि आपने किया है, मैं समझती हूँ। आगे जो है वहाँ पे देखिए, यानी कि खाली पद्य पूर्ण कीजिए, जो पद्य लिखा गया है उसको पूर्ण करना है। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगी, इसी तरीके से आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे है पहला वाला जो है बहने ढैश ढैश, है ना, ढैश 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 सुंदर, सुंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है मैं पूरा लिख देती हूँ पहले, बाद में उसको फिल करेंगे, ठीक है। नव ढैश 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 छाई, ठीक है, छाई। धरती ढैश 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 पाई। इसके बाद जल में ढैश 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 छाया, छाया, ठीक है। मेरे प्यारे ढैश 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 सो, ठीक है। ये हो गया पद्य। अभी यहाँ पे हमें ये जगह भरनी है, तो मैं आपको समझने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दूसरे पेन से यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे है बहने लगी हवा अति सुंदर, बहने लगी हवा अति सुंदर, ठीक है। उसके बाद नभ में प्यारी, नभ में प्यारी लाली छाई, लाली छाई, ठीक है। धरती ने क्या है, प्यारी, यहाँ पे न्यारी आती है, ठीक है, प्यारी छवि धरती ने प्यारी छवि पाई, छवि पाई, ठीक है। उसके बाद जल में पड़ी सुनहरी छाया, सुनहरी छाया, ठीक है। मेरे प्यारे अब मत सो, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो है कैसे लिखना है, तुकांत शब्द पाठ से खोज कर लिखो। तुकांत शब्द यानी कि जैसे कि सो खो पाओ जो, ऐसे वाले शब्द आते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताऊंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ शब्द लिखूंगी, आगे के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखा गया है तुकांत शब्द पाठ से खोज कर लिखो, उदाहरण के लिए दिया गया है, देखिए खोलो घोलो, खोलो घोलो, उसी तरह से ओपन एंड मिक्स, जैसे उदाहरण के लिए वहाँ पे दिए गए हैं फूले आया खो छाई, इस तरीके से दिए गए हैं शब्द। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वो शब्द के सिर्फ उत्तर में आपको लिखकर बताऊंगी, उसी तरीके से आपको टेक्स्ट बुक में अपने उतारना है, ठीक है।
चलिए तुकंत शब्द लिखते हैं, देखिए। हाँ तुकंत शब्द पाठ से खोज कर लिखिए, ठीक है। यहाँ है उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर गिवन ऑलरेडी, वन खोलो या धोलो, खोलो धोलो। उदाहरण के लिए वैसे ही दिए गए शब्द हैं, वो चार शब्द हैं। देखिए जैसे फूले झूले, फूले झूले, आया छाया, ठीक है। उसके बाद छाई पाई, ये हो गए तुकांत शब्द। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहां देखिए, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिमस वर्ड्स। ओके, दो सिनोनिमस वर्ड्स लिखने हैं। वहां पे देखिए नीचे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि पंकज, वृक्ष, पवन, सरोज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक वर्ड दिया गया है उसके सिनोनिमस, टू सिनोनिमस आपको लिखने हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, लाल यानी कि बेटा, सूत, उदाहरण के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। टोटल कुल मिलाकर वहाँ पे 7 या 8 है, वो हम लिखेंगे, ठीक है। यह रहा पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे देखिए पहला वाला अक्षर जो है वहाँ है लाल। लाल यानी कि क्या है, कलर नहीं, लाल कलर नहीं, उसको बेट यानी कि कवि में पद्य में जो है वो है, उसका अर्थ दर्शाता है वो बेटा, ठीक है, बेटा। और सूत जो है, सूत भी दर्शाता है, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो है सूरज। सूरज वो है भानु और रवि, ये जो है दो वर्ड सिनोनिमस वर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो है वो है जल। जल को क्या कहते हैं हम, धारा, ठीक है। इसे उल्टा किया तो राधा भी होता है, और ये है धारा। नील, ठीक है। चौथा वाला जो है वो है धरती। धरती को क्या है, पृथ्वी। माफ कीजिए, यहाँ पे वरी आता है, वरी। धारा, उसके बाद पृथ्वी, ठीक है, यह है पृथ्वी। पांचवा वाला जो है वो है भोर यानी कि सवेरा, प्रातःकाल। ठीक है। ये छठा वाला जो है वो है कमल। कमल यानी क्या है, लोटस। लोटस को हम क्या कहते हैं, पंकज।
पंकज और सरोज, पंकज सरोज। उसके बाद सातवां अक्षर है वो है पेड़, पेड़ है वृक्ष, वृक्ष भी आता है सिनोनिमस वर्ड, और पादप, पादप। उसके बाद आठवां वर्ड जो है, आठवां अक्षर जो है वह है हवा, हवा पवन भी आता है, और समीर, समीर भी आता है। ये हो गए सिनोनिमस वर्ड्स। अभी यहाँ तक हमने सीखा है, हम अगले क्लास में सीखेंगे दूसरे पार्ट का, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, देखिए जो भी अपने क्लास वर्क में भी लिखना है, अपने होमवर्क बुक में भी लिखना है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है फर्स्ट जागो पैरा के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।